सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ पार्ट ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स इन विच वी विल डिस्कस अबाउट स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। आई एम साहिल मित्तल एंड यू आर वॉचिंग मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, सो लेट गेट स्टार्टेड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के बारे में। स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारा स्कैपुला और थोरैक से मिलकर बनता है। अब ये जॉइंट जो है हमारा ट्रू एनाटॉमिकल जॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ट्रू एनाटॉमिकल जॉइंट है, एनाटॉमिकल जॉइंट होते कौन से? एनाटॉमिकल जॉइंट वो होते हैं जो किसी ना किसी कार्टिलेज, लिगामेंट या टेंडन के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। बट स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट किसी भी कार्टिलेज या फिर लिगामेंट के थ्रू आपस में कनेक्ट नहीं है, इसलिए इसे हम एक ट्रू एनाटॉमिकल जॉइंट के अंदर नहीं लेते। और जो हमारा ये स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट है, इसकी जो आर्टिकुलेशन है वो डिपेंड करती है हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर भी। और यहाँ पर अगर कोई मूवमेंट हो रही है स्कैपुला के ऊपर, अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है, तो वो मूवमेंट हमारे एक्रोमियोक्लेविकुलर और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर भी कराएगी। क्योंकि जो हमारी स्कैपुला है वो क्लेविकल से अटैच है बाय एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, क्योंकि जो हमारा स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस है और जो हमारी क्लेविकल है, क्लेविकल ये दोनों आपस में अटैच होती है। और जो क्लेविकल है वो आगे जाके हमारे एक्सियल स्केलेटन से अटैच हो जाती है। कहाँ पे ये हमारे अटैच होती है? स्टर्नम पे। स्टर्नम पे जो उसका मैन्यूब्रियम होता है, वहां पर हमारी जो क्लेविकल है वो अटैच हो जाती है। तो ये हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, इन दोनों पर मोशन होती है अगर हमारे स्कैपुला पर कोई भी मोशन हो रही है तो। अब हम बात करते हैं हमारी स्कैपुला की जो रेस्टिंग पोजीशन होती है वो क्या होती है। स्कैपुला की मेनली जो रेस्टिंग पोजीशन होती है वो पोस्टीरियर थोरैक्स पे रेस्ट करती है। पोस्टीरियर थोरैक्स पे ये 5 सेंटीमीटर मिडलाइन से नीचे अटैच करती है, कहाँ पर? हमारे सेकंड से जो सेवंथ रिब होती है वहां पर। और साथ साथ में ये हमारी क्या होती है? इंटरनली रोटेटेड होती है। अगर हम इसको कोरोनल प्लेन के अंदर बात करें तो कोरोनल प्लेन में ये हमारी इंटरनली रोटेटेड होती है 35 to 45 degrees। और ये हमारी क्या होती है? टिल्टेड होती है एंटीरियरली, आगे की तरफ टिल्टेड होती है। ये हमारी वर्टिकल प्लेन के अंदर होती है। और साथ साथ में ये क्या होती है? इसके ऊपर अपवर्ड रोटेशन भी होती है स्कैपुला पे। अपवर्ड रोटेशन कितनी होती है? अपवर्ड रोटेशन हमारी इसके अंदर 5 से 10 डिग्री होती है। बट अगर हम वहीं इसे मीडियन बॉर्डर के अंदर लेके जाते हैं स्कैपुला के, अगर हम मीडियन बॉर्डर को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो ये क्या होती है? तो ये हमारी 2 या 2 से 3 degrees ही अपवर्ड रोटेटेड होती है। अब अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, स्कैपुला की क्या होती है स्टेबिलिटी की, स्कैपुलर या फिर स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट की स्टेबिलिटी की, तो उसके अंदर क्या होता है? ये जो मेनली है ये हमारी स्टेबल किससे होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी कैप्सूल या लिगामेंट से अटैच नहीं हो रही है, तो ये मेनली हमारे जो एक्रोमियोक्लेविकुलर और जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, इन दोनों को जो स्ट्रक्चर स्टेबल करते हैं, ये मेनली उन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू स्टेबल होती है। और दूसरा क्या होता है? यहाँ पर जो भी मसल्स होती है वो मसल इसको अटैच करने में या फिर इसके अंदर कॉन्टैक्ट बनाने में क्या करती है? हेल्प करती है हमारी स्कैपुला और थोरैक्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैप्सूल या फिर लिगामेंट नहीं है। और साथ साथ में जो मसल्स होती है वो ही यहाँ पर मूवमेंट प्रोवाइड करने में क्या करती है? हेल्प करती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मूवमेंट मेनली स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट का काम क्या है? यहाँ पे ये एलिवेशन या डिप्रेशन की रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कर देती है। और साथ साथ में क्या करती है? जो हमारा ह्यूमरल हेड होता है उसको ग्लेनोइड फोसा के अंदर फिट करने में हेल्प करती है, उसको कॉन्टैक्ट बनाने में हेल्प करती है, ताकि वहां पे एक अच्छा कॉन्टैक्ट बने और आसानी से वहां पर डिसलोकेशन ना हो पाए। वहां पे एक स्टेबल बेस ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है एक उस जॉइंट के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसकी मूवमेंट। अब इसके अंदर जो हमारे स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट होता है, इसके अंदर मेनली हमारी 3 rotatory motions होती है। वो 3 rotatory motions कौन कौन सी होती है? वो हमारी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन होती है, और एक हमारी होती है इसके अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग। जो हमारी स्कैपुला आगे की तरफ जब हम ऐसे करते हैं, आगे की तरफ टिल्ट हो रही है और हमारी क्या होती है? पोस्टीरियर टिल्टिंग। और इसके अंदर हमारी 2 translatory motions भी होती है, जिसको हम कहते हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन होता है यहाँ पर, और एक होता है हमारा प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन हमारा स्कैपुला पीछे की तरफ जाती है, ये हमारा प्रोट्रैक्शन, और जब ये हमारी आगे की तरफ आती है तो ये हमारी रिट्रैक्शन है। ये हमारे स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के बारे में था। अब हम बात डिस्कस करते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिद्म के बारे में। तो नाम से पता चल रहा है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अकेला कोई ना कोई फंक्शन नहीं कर पाता, उसको किसी और स्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है उस फंक्शन को प्रॉपर करने के लिए। तो इसी तरह हम बात करते हैं स्कैपुलो ह्यूमरल रिद्म की। और हम ये क्या होता है, हमारे जो एक से ज्यादा जॉइंट्स एक साथ काम करते हैं, ये जॉइंट्स किस लिए काम करते हैं? ताकि वो फंक्शन एक प्रॉपर वे में या फिर एक स्मूथ वे में हो। अगर वो दो जॉइंट्स एक साथ काम नहीं करेंगे और सिंपल एक ही जॉइंट काम करेगा, तो वो फंक्शन क्या होगा? प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर हमने हमारी आर्म, अगर हमने सोच लिया कि जो हमारा ग्लैनोहुमरल जॉइंट है वो फ्रीज हो गया, वो काम नहीं कर रहा, और हमें अब हमारे जो शोल्डर है, शोल्डर की क्या करानी है? फ्लेक्शन करानी है। फ्लेक्शन या एलिवेशन, फ्लेक्शन हमारी ये वाली मूवमेंट होती है। अगर हमें शोल्डर की फ्लेक्शन करानी है और जो हमारा ग्लैनो
ग्लैनोहुमरल जॉइंट। आपको पता है कि ग्लैनोहुमरल जॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है, जो कि हमें फ्लेक्शन कराने में हेल्प करता है। ये 120 डिग्री तक हमारी फ्लेक्शन करवाता है। अगर हमारा ग्लैनोहुमरल जॉइंट फ्रीज हो जाता है और फिर भी हमें फ्लेक्शन करानी है तो हम कैसे कराएंगे? तो उस टाइम हमें फ्लेक्शन कराने में हेल्प करता है स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। जो स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट होता है ये हमारी 50 टू 60 डिग्री फ्लेक्शन क्या कराता है, हमारे शोल्डर के ऊपर कराता है, जिसकी वजह से हमारी 50 डिग्री तक की फ्लेक्शन क्या है वहां पे हो सकती है। तो आप रेशो देखिए, ग्लैनोहुमरल जॉइंट 120 डिग्री तक फ्लेक्शन करा रहा था और जो हमारा स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट है ये हमारा कितना करा रहा है, ये हमारा 50 टू 60 डिग्री फ्लेक्शन करवा रहा है। तो रेशो क्या हुआ, 2:1 हो गया यहाँ पे। मतलब जो ग्लैनोहुमरल जॉइंट है वो दो गुना ज्यादा मूवमेंट करा रहा है एज कम्पेयर टू स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। तो अगर हम हमारी 120 डिग्री अगर हम आपको कह देते हैं कि आपकी 120 डिग्री आपको फ्लेक्शन करानी है, तो 120 डिग्री फ्लेक्शन में 90 डिग्री तो हमारा ग्लैनोहुमरल जॉइंट हेल्प करता है और 30 डिग्री हमारी स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट हेल्प करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेशियो ही 2:1 आ रहा है। और साथ साथ में अब हमें एक बात है, अगर हम इसके साथ में फ्लेक्शन करवा रहे हैं तो इसके फ्लेक्शन के अंदर और भी काफी सारी मूवमेंट्स है जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट पे या फिर जो हमारा ग्लैनोहुमरल जॉइंट है या फिर जो हमारे शोल्डर कॉम्प्लेक्स है वहां पे होती है। वो मूवमेंट एंटीरियर और पोस्टीरियर टिल्टिंग हो सकती है, क्योंकि जब हम हमारी स्कैपुला की फ्लेक्शन करवाते हैं, फ्लेक्शन के टाइम जो हमारी स्कैपुला है, स्कैपुला क्या करती है, पोस्टीरियरली टिल्ट होती है साथ साथ में, क्योंकि जब वो पोस्टीरियरली टिल्ट होती है तो वो जो फ्लेक्शन मूवमेंट है वो काफी आसानी से हो जाती है। दूसरा यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, प्रोट्रैक्शन या रिट्रैक्शन हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा जब हम फ्लेक्शन कराते हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है, हमारा जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है वहां पे प्रोट्रैक्शन भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एलिवेशन और डिप्रेशन है, एलिवेशन डिप्रेशन काफी कम देखने को मिलता है हमें अगर जब हम हमारी शोल्डर की या फिर शोल्डर कॉम्प्लेक्स की मूवमेंट करा रहे हैं, फ्लेक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एलिवेशन और डिप्रेशन ज्यादा नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पे हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन भी देखने को मिलती है जब जब हम हमारी शोल्डर जॉइंट की क्या कराते हैं, फ्लेक्शन मूवमेंट कराते हैं। अब हमने जो हमारी स्कैपुलोथोरेसिक रिदम है इसको मेनली 3 फेज में डिवाइड कर दिया मूवमेंट के बेसिस पे। तो जिसके अंदर पहला फेज आता है वो होता है हमारा अर्ली फेज, जो सेकंड फेज होता है वो होता है हमारा मिड रेंज या फिर हम उसको कह सकते हैं मिड फेज, और जो थर्ड फेज आता है वो होता है हमारा एंड फेज या एंड रेंज। तो हम बात करते हैं पहले फेज की, जिसको हम कहते हैं अर्ली फेज। अर्ली फेज में अगर हम हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर क्या करें, अगर हम एबडक्शन कराते हैं 30 डिग्री तक जब हम एबडक्शन कराते हैं तो उस टाइम हमारी ह्यूमरस क्या होती है, ह्यूमरस हमारी ऊपर की तरफ एबडक्ट होती है कितना, 30 डिग्री। और साथ साथ में ये सिर्फ जो हमारी एबडक्शन है ये सिर्फ ह्यूमरस के एबडक्ट होने से नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो क्लाइविकल है, क्लाइविकल पे भी आप नोटिस करेंगे खुद के ऊपर, तो क्लाइविकल के ऊपर भी थोड़ा बहुत एलिवेशन आता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती है ये। तो एलिवेशन यहाँ पे कितना होता है, 0 to 5 degree यहाँ पर हमें एलिवेशन देखने को मिलता है। और स्कैपुला के ऊपर यहाँ पे बहुत कम रोटेशन देखने को मिलती है, इतनी रोटेशन नहीं होती। बट अगर हम मिड रेंज की बात करते हैं, मिड रेंज के अंदर अगर हम इसकी 90 degree तक एबडक्शन कराते हैं, 90 degree तक एबडक्शन कराने पे जो हमारा ह्यूमरस है, ह्यूमरस पे 40 डिग्री तक का क्या होगा, एबडक्शन होगा। अब आप क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम 90 डिग्री एबडक्शन करा रहे हैं, ह्यूमरस पे सिर्फ 40 डिग्री एबडक्शन हो रहा है, तो बाकी रेंज ऑफ मोशन या बाकी मूवमेंट कहां से आ रही है? अगर हमारा हमने 90 डिग्री एबडक्शन कराया, ह्यूमरस पे 40 डिग्री तक एबडक्शन हुआ, बाकी क्या हुआ, बाकी जो हमारा क्लेविकल है, क्लेविकल यहाँ पे 15 से 20 डिग्री तक की एलिवेशन करती है, जिसकी वजह से हमारी जो ये है एबडक्शन है ये ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप अपनी स्कैपुला को भी देखेंगे तो स्कैपुला पर भी क्या होता है, यहाँ पे लेटरल रोटेशन होती है, स्कैपुला आपकी साइड के अंदर ऐसे मूव करती है लेटरल साइड में, जिससे वहां पे क्या होता है 20 डिग्री तक का लेटरल साइड में मूव करती है। तो वहां पे पूरी 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन हमें क्या देखने को मिलती है, मतलब 90 डिग्री में क्या हो रहा है, हमारा 40 डिग्री हमारा ह्यूमरस क्या कर रही है, एबडक्शन कर रही है, 15 टू 20 डिग्री हमारी क्लेविकल पे एलिवेशन हो रही है, और साथ साथ में जो हमारी स्कैपुला है 20 डिग्री स्कैपुला भी हमारी लेटरल रोटेशन करती है। अब हमारा लास्ट फेज बचता है जिसको हम कहते हैं एंड रेंज या एंड फेज। इसके ऊपर अगर हम हमारी शोल्डर जॉइंट के ऊपर फुल एबडक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी ह्यूमरस है, ह्यूमरस हमारी 60 डिग्री तक की क्या करती है, 60 डिग्री यहाँ पर एबडक्शन करती है, और साथ साथ में यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाता है, लेटरल रोटेशन हो जाती है हमारी ह्यूमरस पर, उस एबडक्शन मूवमेंट को अच्छे से कराने के लिए, स्मूथली कराने के लिए। और साथ साथ में क्या होता है, जो हमारी स्कैपुला है, स्कैपुला हमारी मिड रेंज के अंदर क्या कर रही थी, 15 से 20 डिग्री हमारी लेटरल रोटेशन कर रही थी, तो अगर हम हमारी फुल रेंज ऑफ एबडक्शन कराते हैं तो इसके अंदर जो हमारी स्कैपुला होती है वो 30 टू 40 डिग्री लेटरल रोटेशन करती है। आप कभी भी नोटिस करिए, खुद पे नोटिस कर सकते हैं या फिर किसी पेशेंट पर नोटिस कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो उस स्कैपुला होती है वो 30 टू 40 डिग्री लेटरल रोटेट करती है, और साथ साथ में जो यहाँ पे क्लेविकल होती है वो 15 डिग्री तक का क्या करती है, हमारा एलिवेशन यहाँ पे करती है। तो हमारे फर्स्ट फेज में 30 डिग्री तक जा रहा था हमारा एबडक्शन, सेकंड फेज में हमारा 60 डिग्री तक एबडक्शन जा रहा था, और थर्ड फेज में हमारा कंप्लीट एबडक्शन जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू मेक देम लर्न, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आर ऐप
एंड शेयर एंड यू कैन फॉलो अस ऑन आवर डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स।